नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित टेकेरा फॉर यू से। आपका टेकेरा फॉर यू चैनल में स्वागत है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल टेकेरा फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज हम बात करेंगे होलोग्राम की। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना होलो लेंस लॉन्च किया है, और होलोग्राम आखिर होता क्या है, हम इसे और भी करीब से जानने की कोशिश करेंगे होलोग्राफी के बारे में। होलोग्राफी एक फोटोग्राफिक टेक्निक है जो कि बिखरी हुई रोशनियों को, मतलब कि स्कैटर्ड लाइट्स को एक ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड करती है और फिर उसे प्रेजेंट करती है 3D के फॉर्म में, जैसे कि हम इसे कहते हैं 3D में। होलोग्राम आपने ज़्यादातर मूवीज़ और न्यूज़ वगैरह में, जैसे कि एक आदमी किसी और शहर में है, उससे आप बात कर रहे हैं अपने शहर में, जो कि फिज़िकली वहाँ पे नहीं है, एक तरीके से वर्चुअली 3D इमेज से आप उसकी बात कर रहे हैं, 3D फॉर्म में वो आपके सामने अवेलेबल है। और अगर हम इसे और भी जनरल भाषा में समझें तो होलोग्राम एक 3D इमेज है जो कि फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन से बनती है। और अगर हम इसे और भी इजीली समझने की अगर कोशिश करें तो होलोग्राम एक ऑब्जेक्ट है जो वास्तविक दुनिया, रियल वर्ल्ड की दूसरी वस्तुओं की तरह है। बस इसमें सिर्फ एक ही अंतर है जो कि है फिजिकल मैटर्स, फिजिकल मटेरियल्स का, और या फिर हम इसे कह सकते हैं भौतिक पदार्थों का। इसकी जगह होलोग्राम में लाइट का यूज़ होता है। होलोग्राम लाइट की मदद से बनता है। और जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का होलो लेंस एक ऐसा डिवाइस है जो कि विंडोज़ 10 पर चलता है, और यह पूरी तरह वायरलेस है, यानी आपको इसमें किसी वायर्ड कनेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। ये ग्लासेस की हैं, जैसे आप VR ग्लासेस आप स्मार्टफोन जिसमें फ़िट कर देते हैं, ये उसी तरह का दिखता है, मगर इसमें आपको स्मार्टफोन फिट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ 10 अवेलेबल है, और ये माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ 10 पे चलता है, और यह पूरी तरह वायरलेस है। माइक्रोसॉफ्ट होलो लेंस की मदद से आप होलोग्राम्स को फिज़िकल लोकेशंस पे या फिज़िकल एनवायरनमेंट में ला सकते हैं आपके काम के लिए। आप जैसे कि देख सकते हैं, आप मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहीं पर ही होलोग्राम का अगर मुझे यूज़ करना है, कुछ काम करना है, जैसे मुझे अभी अपना समझ लीजिए गेम पैड पे ही अपना काम करना है, तो मैं उसे 3D फॉर्म में वर्चुअली आपके सामने कर सकता हूँ। वो असल में होगा नहीं इस जगह पे, मगर मैं उस होलो लेंस के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट के होलो लेंस के थ्रू उस पर काम कर सकता हूँ यहीं पे। अभी तो माइक्रोसॉफ्ट का होलो लेंस सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में ही अवेलेबल है, और आप इसको माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं, जिसकी कीमत रखी गई है $3,000। और अभी ये डेवलपमेंट एडिशन है, आपको अगर इंटरेस्ट है इसमें आप डेवलपमेंट एडिशन मंगा सकते हैं, और ये अवेलेबल है यूनाइटेड स्टेट्स में और कनाडा में। और आप होलोलेंस की मदद से 3D में भी अपना कामों को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि आप 2D में सिस्टम्स पे करते हैं, सिस्टम्स पे भी आप 3D देखते हैं, मगर ये उस तरह का 3D नहीं है, ये आपको फिजिकल वर्ल्ड में 3D एक्सपीरियंस देगा। 3D इमेज को आपको 3D दिखाएगा। आप जैसे जनरली आप जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी ही एक इमेज लाइट्स की मदद से, और किसी प्लेस पे आपको अगर देखनी है वैसा आप देख सकते हैं। और अभी के लिए बस इतना ही, और आगे भी हम इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्चुअल रियलिटी के बारे में, आते ये VR ग्लासेस वगैरह हैं क्या, वर्चुअल रियलिटी क्या है, इसका फ्यूचर वगैरह के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, होलोग्राम को करीब से आपको और भी जानने का मौका मिला होगा, और अगर हमसे इसमें कुछ गलतियां हुई होगी तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। आप अगर इस वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज़ इस लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा, और हमें कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा आने वाले वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।